नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नाम ऋषि, आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए यहाँ पे एक बड़ी अपडेट जारी हो चुका है कि अब जो है आप फिर से अपना eKYC जो है OTP के माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीच में आप लोग का जो eKYC था उसको OTP के माध्यम से यहाँ पे बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी आप फिर से अपना OTP के माध्यम से eKYC कर सकते हैं। साथ में आपने पहले जो यहाँ पे eKYC OTP के माध्यम से किया था तो आपका eKYC हुआ था या फिर नहीं हुआ था वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब उसको किस तरीके से आपको चेक करना है वो भी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अगर आपने पहले यहाँ पे eKYC किया था या फिर आपका eKYC नहीं हुआ था तो दोनों किसानों के लिए यहाँ पे जो है बड़ी अपडेट जारी की गई है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, मैं जो पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे यहां पे आ चुका हूं। यहां पे आने के बाद ऊपर आप देख पा रहे दोस्तों, eKYC इज मैट्री फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर, और यहां पे आप लोगों का बताया दोस्तों कि OTP बेस्ड eKYC इज अवेलेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यानी दोस्तों, यहां पे जो आप लोगों का OTP के माध्यम से eKYC होता था वो जो है फिर से अवेलेबल कर दिया गया है। फिर से आप जो यहां पे पीएम किसान की वेबसाइट से जाकर अपना OTP के माध्यम से यहां पे eKYC कर सकते हैं। और ये जो आप लोगों का यहां पे eKYC दोस्तों, ये 100% आप लोगों का वर्किंग है, अभी जो है आप लोगों का काम कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को यहां पे दिखाने वाला हूं। तो यहां पे आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को जो पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है। यहां पे आने के बाद आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहां पे आप देख पाओगे फार्मर कोरोना का ऑप्शन है और यहां पे फिर से आप लोगों का जो है eKYC का जो लिंक है वो यहां पे एक्टिव हो चुका है। लिंक जो है आप लोगों का यहां पे आ चुका है। अब यहां पे आप लोगों को क्लिक करना है। इसे आप यहां पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है यहां पे ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा जो है अलग तरीके से आप लोगों का जो यहां पे वेबसाइट है वो आप लोगों का यहां पे ओपन होता है। कुछ इस तरीके से आप लोगों का जो वेबसाइट है यहां पे ओपन हो जाएगा और यहां से आप जो अपना आधार नंबर डालकर अपना जो यहां पे OTP है, जो आप लोगों का आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पे OTP आएगा और OTP के माध्यम से आप अपना यहां पे eKYC पूरा कर सकते हैं। घर बैठे अपना eKYC यहां पे कर पाइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे वैसे किसान जो पहले यहाँ पे OTP के माध्यम से eKYC किए थे, जब eKYC OTP से बंद हुआ था उससे पहले उन्होंने यहाँ पे eKYC किया था, तो वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि आपका eKYC हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, तो आप लोगों को फिर से जो यहाँ पे eKYC वाले ऑप्शन पे आना और यहाँ पे सबसे पहले जो है अपना आधार नंबर डालना है। जो भी आप लोग का आधार नंबर है वो यहाँ पे डालकर सर्च पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो यहाँ पे आधार नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद सर्च करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है आधार नंबर डाल लिया और सर्च पे क्लिक कर लिया है, तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे शो हो चुका है। अब हमें जो यहाँ पे आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर डालने को बोला जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों, जब आप वो मोबाइल नंबर डालिएगा जिससे आपने यहाँ पे eKYC किया था, तो यहाँ पे आप लोगों का जो है ऑलरेडी यहाँ पे बताएगा कि आपका मोबाइल नंबर पहले से यहाँ पे जो उपलब्ध है, तो आपको करना क्या है, कोई दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पे यूज करना है, जिससे कि आप लोगों का कोई भी यहाँ पे eKYC नहीं हुआ है, कोई भी आप लोगों का पीएम किसान का eKYC उस मोबाइल नंबर से नहीं हुआ है, वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं जो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और गेट मोबाइल OTP पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोगों का जो मोबाइल नंबर होगा, जो भी आपने ऊपर में डाला होगा, उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को वहाँ पे डालना और सबमिट OTP पे आपको क्लिक करना है। तो मैं जो यहाँ पे OTP डाल लेता हूँ, उसको सबमिट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे OTP डालकर सबमिट करते हैं, यहाँ पे गेट आधार OTP का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप लोग का जो आधार कार्ड में रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पे आप लोग का OTP जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को जो उसका OTP डालना है, तो वो OTP जो है हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो मैं जो यहाँ पे OTP डाल लेता हूँ, तो OTP डालने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है आपको जो है सबमिट फॉर ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे अगर आपका पहले से eKYC रहेगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग का शो कर देगा। यहाँ पे आप देख पाओगे eKYC इज ऑलरेडी डन, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोग का eKYC पहले से हो चुका है, इसलिए आपको जो यहाँ पे eKYC करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने यहाँ पे eKYC पहले किया होगा और आपको यहाँ पे पता नहीं है कि हमारा eKYC हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इस माध्यम से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपका eKYC हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आपको यहाँ पे शो कर देगा eKYC इज ऑलरेडी डन, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। तो ये जो है अच्छी अपडेट है सभी किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी परेशान हो रहे थे कि हमारे जो यहाँ पे eKYC है नहीं हो पा रहा है, तो eKYC कब से शुरू होगा, OTP के माध्यम से eKYC किस तरीके से होगा। तो अब जो है आप लोगों का eKYC शुरू हो चुका है, अब जो है OTP के माध्यम से आप eKYC कर पाइएगा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। गरीब वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं इस वीडियो तक के लिए, धन्यवाद।